हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार आज है अमावस का दिन, और अमावस के दिन पे हमारे यहाँ लगता है वो। तो यार मैं आज थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ गई थी ताकि मेरा ना वो टाइम पे रेडी हो जाए। तो चाय वाय मेरी हो गई थी और नहा भी लिया था आज मैंने जल्दी ही, और फिर मैं वापस आ गई किचन में। तो एक बार मैं किचन को करूंगी अच्छे से क्लीन, और जो भी मेसी है उनको सब जगह पे, ताकि मेरे को ना स्लैब एकदम फ्री मिल जाए और जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो कुछ बर्तन पड़े हैं उनको मैं धो के रख दूंगी साइड में, और जो भी रात का दही वही रखा है उनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, और दूध जो पड़ा है वो मैंने गर्म चढ़ा दिया है और थोड़ी देर बाद ठंडा कर लूंगी, ताकि ननों के उठने का टाइम भी हो गया तो वो अभी उठ के आ जाएगी। तो उसको टाइम जल्दी से, उसको मतलब दूध चाहिए होता है ना, उसको बहुत भूख लगती है और वो इंतजार नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए ठंडा करके तो रखूंगी। ननू हमारे यहाँ पे उठ गई थी, तो मैं सबसे पहले मैं इसको पिलाऊंगी दूध और फिर इसको दे दूंगी मम्मी को। तो ये खेलेगी थोड़ी देर बाहर, तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो ननू गई है बाहर तो खेलने, सबसे पहले मैं ठीक यहाँ है। पे रख रही हूँ लापसी के लिए गरम पानी। ये हो जाएगा गरम, तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ, फिर अपन बनाएंगे लापसी। तो ये बर्तन भी मेरे रात के धुले हुए हैं, तो इनको भी मैं रख दूंगी जगह पे, क्योंकि यार चीजें सारी व्यवस्थित होना तो काम करने में मजा आता है। और मेरा यही है, मैं सुबह उठते ही पहले चीजों को सारी अपने अपनी जगह पे रखती हूँ, फिर मैं खाना बनाना चालू करती हूँ, ताकि ना सारी चीजें इजीली मिल जाए अपन को। तो पानी हो गया था हमारा गरम, और पानी को रख दिया था हमने साइड में, और फिर बनाना चालू किया लापसी। तो सबसे पहले जो गेहूं का बाट आता है उसको एक कटोरी भर के डाला कढ़ाई में, ये है लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लापसी हमेशा इसमें बनती है हमारे। और उसके साथ में डाल दिया घी, वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर इसको अपन ना चलाएंगे अच्छे से, जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है ये बाट तब तक अपन चलाएंगे। तो लापसी का बाट यहाँ पे सीख गया है अच्छे से, अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप एक बार में सारा ही ना डालें, क्योंकि ना अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो अपन को एक तो अंदाजा हो जाएगा कि कितना पानी चाहिएगा, और एक साथ डालने से पानी ज्यादा भी नहीं होगा। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी वो सारा ही इसमें डाल दिया था। और ये लापसी ना ये कुछ पानी सूख के ऐसी हो गई थी, क्योंकि ये धीरे धीरे पकती है, बहुत टाइम लगता है इसमें पकने में और फूल जाती है अच्छे से। तो इस टाइम पे हम करेंगे इसमें गुड़ को ऐड। कई लोग गुड़ ना पानी में गला के फिर डालते हैं, और कई ऐसे ही डालते हैं। हम ज्यादातर ना गुड़ को छोटा सा बारीक करके ऐसे ही डालते हैं इसमें, ताकि वो धीरे धीरे पकती रहे और गुड़ का जो रस है वो इसमें आ जाए। और गुड़, एक गुड़ ऐसे ही डालने का ये भी मतलब होता है कि जो अपने घी डाला है वो एंडिंग में ना छूट के लापसी के जो दाने हैं वो अलग हो जाए। तो बस अपन पकाते रहेंगे। तो ना लापसी का मेजरमेंट यही होता है कि जितना आप लापसी ले रहे हो जिस कटोरे से, उसी कटोरे बराबर आप गुड़ लो और उसी कटोरे में बराबर घी लो, और जो पानी है वो ना उसे 3 गुना या फिर 4 गुना जैसे आपको चाहिए। अगर ना थोड़ी खुली चाहिए तो ना पानी कम जाएगा, और थोड़ी सी ऐसी ना आपको हल्की सी गीली वाली चाहिए तो ना पानी थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है लापसी का मेजरमेंट। और अगर एक दो बार बनाएंगे तो फिर हल्का सा अंदर जाएगा। वैसे मैं कम बनाती हूँ लापसी, बनती है मम्मी या पापा ही बनाते हैं। तो यहाँ ना अपने लापसी बन के कुछ रेडी हो गई थी, और अब अपन करेंगे इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है वो है, जो भी है आपके पास वो आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास एक काजू, पिस्ता, किशमिश और बादाम, तो सबको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, और उसमें थोड़ी सी मैंने इलायची भी ऐड करी थी। तो लापसी हमारे यहाँ पे बनके रेडी है, और देखो यार कितनी खुली खुली बनी है, और बहुत टेस्टी होती है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो अब बनाएंगे अपन खीर। तो खीर के लिए मैंने ये लिया है 1.5 लीटर दूध, और ना उसको उबाला पहले मैंने, और फिर ना थोड़ी सी लिए 1 कटोरी चावल जो थोड़ी देर मैंने गला के रखे थे, और पानी एक दो पानी से धोने के बाद फिर मैंने उसमें दूध में ऐड करके चावल, और ये केसर है जो गर्म पानी में हल्की सी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी, वो भी मैंने इसमें कर दी है ऐड। तो थोड़ी सी इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और फिर खीर को अच्छे से कम आँच पे पकाएंगे अपन तो धीरे साथ धीरे। ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाले हैं काजू, थोड़े से बादाम, पिस्ता थोड़े और से डाल देंगे किशमिश, तो ना ड्राई फ्रूट भी इसके साथ साथ धीरे धीरे अच्छे से पक जाएंगे। काफी बार मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालती हूँ, बट इस बार मैंने ना लापसी के लिए क्रश किए थे तो साथ ही मैं क्रश कर दिए, तो मैं ना रोस्ट करके नहीं डालूंगी, ऐसे ही डाल दूंगी। और ना खीर को ना जितने धीमी आँच पे वो पकाना होती है अच्छी बनती है, और अच्छी ऐसे घुट जाती है खीर, गाढ़ी हो जाती है अच्छे से, तो मैं वही कर रही हूँ। और फिर एंडिंग में डालेंगे अपन शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हो, हम थोड़ी कम खाते हैं तो मैं थोड़ी सी कम ऐड करूंगी। तो यार बस खीर अपनी बन के हो गई है रेडी, इसको कर देंगे बंद और रख देंगे साइड में।
तो खीर के बाद बारी आती है दाल की, जो कि ये मूंग दाल है और ये मैंने ओवरनाइट गला के रखी है। तो ना ज्यादातर मेरे घर वालों को ये दाल पसंद आती है, तो मैं फिर यही बनाऊंगी। तो सबसे पहले ना इसको मसल के इसके छिलके कर देंगे अलग, और पानी के साथ एक दो बार निकालेंगे तो छिलके इसके सारे उतर जाएंगे। तो यहाँ कुकर में मैंने चढ़ा दिया है दाल के लिए पानी, क्योंकि ये अपन इसमें सीटी नहीं लगवाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे दाल को। क्योंकि ना बाबा को थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं ना सीटी नहीं दिलाती हूँ दाल में, ऐसे ही पकाती हूँ। तो सबसे पहले डाला पानी और फिर जो दाल धोई थी वो ऐड कर दी। उसके बाद थोड़ी सी हमने की हल्दी है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी। फिर इसको ना उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये दाल में आ गया अपना उबाल, और इस पर आधा ढक्कन लगा के कम गैस करके छोड़ देंगे अपन। तो अब करेंगे दाल के लिए तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले लिया है मैंने कढ़ाई, और उसमें डाला है मैंने ऑयल। तो ऑयल गर्म होने के बाद उसमें डाला थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा, और ना डालेंगे साथ ही हींग, और उसके बाद ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन और कुटी हुई लाल मिर्च। तो लहसुन फ्राई होने के बाद उसमें ऐड करेंगे अपन कूटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे उसमें प्याज, और थोड़ा सा ना उसको पकने देंगे प्याज को लाल होने तक। तो इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिए थे सूखे मसाले, जिसमें था नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हल्दी। तो इन सबको मिला के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, ताकि ना इसमें पेस्ट बनाया हुआ मसाला डालने से दाल का एक फ्लेवर जो आता है वो अलग ही आता है। तो ये ना मैं पेस्ट बनाया हुआ इसमें डाल दूंगी, और साथ ही ऐड कर दूंगी मैं टमाटर। और फिर टमाटर गलने तक अपन गैस को स्लो करके अच्छे से धीरे से इसको पकाएंगे। तो ये तड़का या मसाला कुछ भी बोलो आप, बन के रेडी है। टमाटर अपने अच्छे से इसमें सॉफ्ट होके गल गया है, एक सार हो गया सारा मसाला, और जो साइड में अपनी दाल थी वो भी एकदम पक के रेडी है। तो बस ये मसाला इस दाल में अपन ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा और अपने इस दाल को उबालेंगे। उसके बाद साथ ही इसमें धनिया को कर देंगे ऐड, और दाल अपनी बन के एकदम रेडी है। तो बस ढक्कन लगा के गैस को कर देंगे ऑफ। तो दाल के बाद बारी आती है पूरी की। तो उसके लिए है मैंने गेहूं का आटा, जो कि मैं छान लूंगी सबसे पहले। छानने के बाद उसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और उसी के साथ ऐड करेंगे अपन थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो अपनी पूरी है वो एकदम अच्छे से ना थोड़ी सी नरम और थोड़ी सी ऐसी कुरकुरी सी बने। तो बस मैं इन सबको एक साथ कर दूंगी अच्छे से, और फिर मैं पानी डाल के अच्छा सा आटा लगा दूंगी। आटा अपना यहाँ पे सेट हो गया था, और ये मैं छोटी छोटी बना रही हूँ लोइयां पूरी के लिए। तो आधी एक साथ बना दूंगी, ताकि ना एक साथ पूरी बेलने में आ जाएगी। मैं एक एक नहीं बनाती हूँ, आधी पहले लोइयां बना देती हूँ, फिर उसी लोइयां की एक साथ पूरी बना देती हूँ, फिर उन सारी पूरी को एक साथ ऑयल में फ्राई कर देती हूँ, ताकि ना टाइम बचता है और जल्दी बन जाता है। तो पूरी को अपन इसके हल्का हल्का दबा के सेकेंगे ना, तो पूरी एकदम अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से दोनों तरफ से सिकेगी, और कुरकुरी से पूरी बनेगी। तो मेरे को ऐसे ही पसंद है। तो अभी चलते हैं अपन उधर। ओके, उधर जाने के बाद मिलती हूँ बड़ी। आपको मौसम दिखाते हैं एक बार, देखो पापा कितना ठंडा मौसम हो रहा है ना। असल में फोन में नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ पर होगे ना तो बहुत खतरनाक वाला है। ओ बेबी, अरे यहाँ क्यों कर रहे हो पापा? तो मेरे को तो तो यहाँ पे आना, मौसम 2 दिन से बहुत खराब हो रहा है और लगातार बारिश हो रही है। तो ये सब काम आज यही हो रहा है, क्योंकि हमारे से छुट्टी है और संडे भी है, साथ में तो कहीं जाना नहीं है। तो आज गाड़ियाँ गैरेज की जगह घर पे आ गई है, और यहाँ हो रही है तैयार। तो बस पापा और दक्षा कर रहे हैं भूख की तैयारी, मैं इनको थाली तैयार करके दे रही हूँ यहाँ पे। तो बस पूरी मेरी बन गई थी, और यहाँ मैंने थाली भी कर दी है रेडी। हाँ, जिसमें थोड़ी सी कटोरी में रखी है दाल और खीर, लापसी और थोड़ी सी पूरी। चलो ये
अपने पुरुष लोग जो संत हो जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पितृ देवता, उनको भोग देते हैं अपन, तो क्या उनको खाना मिल जाता है, तो उनको शांति मिल जाती है, अच्छा अच्छा खाना है, लाची है, सीरा है, तो फिर क्या उनको शांति मिलती है, तो अपने घर में अच्छी बरगति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पापा ने दूध दे दिया था, पापा ने दूध दिया है तो दक्षा कैसे पीछे रहे, तो मैं इसको भी जो कॉपी करनी है सारी चीजों की, तो यहाँ पे ये वापस फिर से सारी चीजें कर रही है। तो बस यार सबका खाना पीना यहाँ पे हो गया था और एंडिंग काम जो मेरा बचा था वो था किचन क्लीनिंग, तो एक बार मैं सारी चीजें पूरी से वापस से क्लीन कर, ताकि अपन को शाम का खाना बनाने में थोड़ा इजी रहे। ओके गाइज, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।